सर, सेना भर्ती परीक्षा को लेकर आपकी वीडियो पर जहां एक ओर बच्चे जागरूक हुए हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ लोग निराश हैं, परेशान हैं, इस बारे में आप क्या कहेंगे सर? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि मेरे जो वीडियोस हैं या जो मैं बात कहता हूं, अगर उसको आप समझें, उसकी बारीकियां समझें, तो वो एक प्रकार से छात्रों को उनके हक के प्रति जागरूक करने के लिए वो है। और जहां तक बात है निराशा की, ये सिर्फ सिर्फ कुछ एक लोग बात करते हैं कि बच्चे निराश हो गए, बच्चे निराश हो गए। मैं पूछना चाहता हूं कि आशा की किरण है कहां? आज यदि आप पूरे घटनाक्रम को देखते हैं, कई एआरओज, मैं केवल अब जोधपुर एआरओ की बात नहीं करूंगा, मैं पूरे देश भर की बात करूंगा, क्योंकि शौर्य भारत के साथ पूरे देश का स्टूडेंट जुड़ा हुआ है और हमारी जवाबदेही उनके प्रति बनती है कि हम उनको सही मार्गदर्शन दें। तो अगर आप पूरे घटनाक्रम को देखें, और मुझे उम्मीद आपको पता भी होगा कि पूरे एग्जाम्स की जो सेना भर्ती जो प्रक्रिया होती है, उसके अंदर दौड़ होती है, मेडिकल होता है और उसके बाद लिखित परीक्षाएं होती हैं, राइट? दौड़ और मेडिकल्स जो हैं, वो कई जगह पे, कई सारे एआरओज में उनकी उनके होने की जो अवधि है वो करीब 9-10 महीने हो चुकी है। कई सारे एआरओज में करीब एक साल, दिसंबर में एक साल हो जाएगा और सेना भर्ती परीक्षा नहीं हुई। हम समझ सकते हैं, शुरू में जब एक बार स्थगित हुई तो बताया गया कोविड का रीजन है, उस समय कोविड महामारी जो प्रकोप पे भी थी, हम समझ सकते हैं। दूसरी बार फिर उसकी एक डेट आई और फिर वो भी कोविड की वजह से कैंसिल हो गई। तो ये जो सिलसिला है, हर डेट्स को कोविड के नाम पे कैंसिलेशन। और देखिए, मैं तो हमेशा से खुद कहता हूं कि हर स्टूडेंट के लिए जो एक फॉर्मल इंफॉर्मेशन का जो पटल है, जो प्लेटफॉर्म है, वो एक ऑफिशियल वेबसाइट होती है। लेकिन जब ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ही आधी अधूरी चीजें हों तो बच्चा क्या करे? तो मेरा फर्ज इनको जागरूक बनाना, मैं तो वही काम कर रहा हूं। अब मैं आपसे एक बात और कहता हूं कि जब ये डेट्स कैंसिल पे कैंसिल हुई जा रही हैं, ठीक है, और पोस्टपोन हुई जा रही है, कैंसिल कहना निरस्त, और आगे की तारीख कब दी जाएगी, तो वो पोस्टपोन हो गया, राइट? मुझे याद पड़ता है कि जोधपुर एआरओ की परीक्षा जिस समय पर कोविड की वजह से निरस्त कर दी गई थी, उसी समय पर कोटा एआरओ की दौड़ अजमेर में चल रही थी। तो ये तो दोनों दोनों बातों में आप बताइए अंतर्भेद है। एक तरफ लिखित परीक्षा जो कि कम बच्चों की होनी है, सेना के परिसर में होनी है, सेना के यूनिट्स के अंतर्गत वो चीजें होनी है, वो आप निरस्त कर रहे हैं कोविड की वजह से, और दूसरी तरफ जो चीज खुले सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर होनी है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की मदद से होनी है और हजारों बच्चे आने हैं। देखिए, रिटर्न में बच्चे कम हो जाते हैं, कुछ बच्चे दौड़ नहीं कर पाते, कुछ बच्चे मेडिकल में अनफिट हो जाते हैं, और रिटर्न में तो बहुत कम संख्या पहुंचती है। तो वहीं पर मेरे सामने एक शक की सुई घूमती है और सबको उसके लिए जागरूक होना पड़ेगा कि भाई ये कोविड नहीं है। और दूसरी बात, निराशा किस बात की? मैं तो ये कहता हूं कि आशा थी, हमने ये बात बोल दी, निराश हो गए। अगर मेरे कहने से सेना भर्ती परीक्षा रद्द होती है या मेरे कहने से सेना भर्ती परीक्षा होती है, तो मैं तो सुबह से लेकर शाम तक यही माला जपता रहूंगा कि सेना भर्ती परीक्षा हो, सेना भर्ती परीक्षा हो, सेना भर्ती परीक्षा हो, तुरंत हो जाए, कल हो जाए, बच्चे तुरंत एग्जाम में उत्तीर्ण हो, पास हो, अपने अपने ट्रेनिंग सेंटर जाएं और ट्रेनिंग करें, कसम परेड करें, अपने यूनिट में जाएं, यही तो सपना है सबका। तो मैं तो खुद ये चाहता हूं, लेकिन जब जो चीज हो नहीं रही है, और आज मैं एक एक इस ओहदे पे हूं, मुकाम पे हूं, कि फर्क पर्सनल लेवल पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अंतर आत्मा की तो कोई आवाज है ना। आज मैं वो सुनू नहीं, आज लाखों बच्चे शौर्य भारत ऐप से पढ़ रहे हैं। शौर्य भारत डिफेंस एग्जाम्स लर्निंग ऐप जो है, वो हिंदुस्तान का नंबर वन ऐप है। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, यहां तक कि अंडमान निकोबार भी चले जाइए, बच्चे वहां पर डिफेंस की तैयारी के लिए इस ऐप से पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। आज उनके प्रति हमारी जवाबदेही क्या है? आज पूरी लड़ाई तो जवाबदेही की है, अकाउंटेबिलिटी स्थापित करने की तो बात है। तो मेरे वीडियो सिर्फ एक बात कहते हैं, मेरे वीडियोस ये कहते हैं, और मेरे वीडियोस का मैं जो मैंने कहा है, मैं आज भी उस पे कायम हूं, क्योंकि वो मेरी एक ठोस बातचीत। आज कई लोग बोलते हैं कि हम उनका नाम नहीं ले सकते, हम ये नहीं कर सकते। ऑब्वियसली जो लोग सर्विस में है, ऑब्वियसली उनका नाम नहीं ले सकते, लेना भी नहीं चाहिए,
उन्होंने कुछ मेरे कोर्समेट होने के नाते या मेरे से मेरे इमीडिएट सीनियर होने के नाते या मेरा इमीडिएट जूनियर होने के नाते जो हमारी कमरेडरी है, जो हम उस फ्रेटर्निटी को बिलोंग करते हैं, उस नाते उन्होंने मुझे ये चीज बताई। और हमारे शब्दों में केवल एक ही बात है कि आज बच्चों का हक है क्लैरिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। आप एग्जाम 6 महीने बाद करते हैं, करिए, हमें क्या आपत्ति है। आपकी जो सहूलियत होगी उस हिसाब से आप करेंगे। क्लैरिटी ऑफ इंफॉर्मेशन भी यदि आप कहते हैं, कोई भी पदाधिकारी या कोई भी, चाहे वो सेना का अधिकारी है या कोई भी गवर्नेंस का अधिकारी है, कोई भी किसी भी पद पे है, यदि वो कहता है कि बच्चों को या बच्चों के अभिभावकों को इस क्लैरिटी का हक भी नहीं है कि उनकी परीक्षा कब होगी, तो ये तो गलत है। तो मैंने क्या कहा, मैंने यही तो कहा कि भाई आप अपने हक की बात करिए, क्लैरिटी मांगिए। और क्लैरिटी तो भाई उनका राइट है, अब निराश होने की कोई बात नहीं। और आप लोग जो बच्चे आज फौज में जाना चाहते हैं, वो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु उनके आइडियल हैं। अपनी अपनी टी शर्ट पे वंदे मातरम लिख के भगत सिंह और सुखदेव राजगुरु की फोटो लगा के वो गौरवान्वित फील करते हैं। तो उनसे तो प्रेरणा लीजिए, उन्होंने किस विषम परिस्थितियों के अंदर अपने जोश को कायम रख के देश के लिए सर्वस्व बलिदान दे दिया। हम उनकी पूजा करते हैं। आज हमारा नौजवान उन सबकी इंकलाब जिंदाबाद में, वंदे मातरम में, इस मातृभूमि के लिए मरने मिटने को तैयार है। ऐसे में केवल ये बात निराशा डाल दे कि एग्जाम कैंसिल हो सकते हैं, अरे भैया ये तो सच्चाई है, सामना करो इसको, ये तुम्हारे साथ हो रहा है, ठीक है। आज इस बात को काटने वाले, छाटने वाले सिर्फ और सिर्फ व्यापारिक दृष्टिकोण से बात कर रहे हैं। लोग आके गाड़ी में ट्रेवल करते हुए लोग आके मेरी बात को काटते हैं, अरे भैया तुम्हारा मेरी बात को काटना तुम्हारा काम नहीं है, है? और उस और अपनी बात को जब वो वीडियो डालते हैं तो थंबनेल पे लिखते हैं एडमिशन ओपन, तो वहां पर नियत साफ झलक रही है कि एडमिशन चाहिए, इसलिए आपको सच को आप नकार रहे हैं। कोई व्यक्ति आता है अपने न्यूज चैनल के लिए, अच्छा काम कर रहा है, बाकी मैं तारीफ करूंगा मैं, लेकिन वहां पर भी एक सब्सक्राइबर बढ़ाने की ग्रीड है। वहां कैप्टन अतुल के वीडियो में कोई कह दे कि मैंने कभी बोला हो कि भैया सब्सक्राइब करो या कभी बोला हो एडमिशन लो, मैं तो खुले में बोलता हूं जिसको सटीक तैयारी करनी होगी वो शौर्य भारत में आएगा, बात खत्म हो गई। मेरे प्रोडक्ट में दम है, हमारी बात में दम है, मेरी सच्चाई में दम है। आज मैं 10 साल हो गए हैं, 10 साल सेना के बाद, सेना में अधिकारी के बाद, ओटीएस जब मैं पास आउट हुआ यूनिट में, जब मैंने नौकरी की, उसके बाद मैं कॉर्पोरेट में वाइस प्रेसिडेंट के पद पर था एक बहुत बड़ी कंपनी के अंदर। लेकिन मैंने क्या रास्ता चुना, मैंने ये रास्ता, मुझे वहां चैन नहीं पड़ रहा था, मुझे लग रहा था कि मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए कि जो समाज ने मुझे दिया है मैं समाज को वापस दूं। तो मैंने एक ही रास्ता चुना, स्टूडेंट्स को ट्रेन करने का, खुद पढ़ाता हूं, कोई निदेशक बन के कमरे में नहीं बैठता हूं, ग्राउंड पे बच्चों को दौड़ाता हूं, बच्चों को सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूं। और कौन सा सब्जेक्ट आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं बताइए। हिंदुस्तान की अगर बेस्ट टीचिंग की बात करते हैं तो आ जाइए मेरे सामने कोई भी। तो मुद्दा यह है कि हम अपने व्यापारिक दृष्टिकोण को रखें साइड में और बच्चों के हक की बात करें। हम बोलेंगे हाय वो निराश हो गया, हाय वो निराश हो गया, वो वाकई में निराश होगा। निराश मैं नहीं, निराश आप लोग कर रहे हैं जो बच्चों के अंदर निराशा का एलिमेंट डाल रहे हैं। आपको बच्चों में जोश डालना चाहिए, आपको उनको आशा देनी चाहिए कि बच्चों यदि तुम ये रास्ता अपनाओगे तो तुम्हारी परीक्षा की तिथि तुम्हें मालूम पड़ेगी और अपनी तैयारी उस हिसाब से। आज एक किसान का बच्चा कौन जाता है फौज में, भैया बताओ मुझे कौन जाता है फौज में? ये जो किसान जो जमीन पे तैयारी कर रहे हैं, अपनी दिन रात मेहनत कर रहे हैं, हल चला रहे हैं, उनके बच्चे जा रहे हैं जो फौज में, उनके बच्चे जा रहे हैं? मैं किसानों के बच्चों की बात करता हूं। एक बच्चा अपने घर से शहर में आकर तैयारी कर रहा है। आज के जमाने में हर कोई तैयारी करता है और कोचिंग इंडस्ट्री जो है उसको आप नकार नहीं सकते। कोचिंग सबका हक है, शिक्षा सबका अधिकार है। मैं तो कहता हूं हमारी जरूरत ही नहीं हो ना, आप तो अपनी बेसिक शिक्षा इतनी स्ट्रांग कर दो कि बच्चा 12वीं के बाद निकले और सीधे सीधे चला जाए, उसको तैयारी करनी पड़ती है, ये तो मिलाप ही नहीं है। मैं तो अपनी बात करता हूं, ऑल इंडिया सीबीएसई का एग्जाम देता हूं और सीबीएसई में पढ़ता हूं 12वीं तक, 12वीं का सिलेबस अलग है, ऑल इंडिया सीबीएसई का सिलेबस अलग है, ये क्या बात होती है? तो कोचिंग इंडस्ट्री में जो भी लोग हैं, विद्यमान जो भी लोग हैं, बेहतरीन काम कर रहे हैं और इस इंडस्ट्री को इस बात एक दूसरे की बात काटने की बजाय एकीकृत होकर बच्चों के हक की बात कहनी चाहिए। तो यहां पर मसला यह है
कि हम उनको क्या रास्ता दिखाएं, कहेंगे निराश हो गया, निराश हो गया, निराश हो गया, वो निराश हो जाएगा, उसमें जोश डालो, उसको रास्ता बताओ। एक शिक्षक, अगर आप शिक्षक हैं तो आपका फर्ज है कि आप राष्ट्र निर्माण के अंदर अपनी भागीदारी निभाएं। चाणक्य ने ही चंद्रगुप्त मौर्य को मौर्य वंश स्थापित करने में मदद करी थी, वो शिक्षक था, उसने बताया था बेटा सही क्या है गलत क्या है। एक तरफ तो आप बोलते हो एग्जाम होंगे, एग्जाम होंगे, निराश मत हो, दूसरी तरफ आप बोलते हो कि भैया आंदोलन करो, हल्ला बोल करो देशव्यापी। तो जब एग्जाम होंगे, मैं कहूं बेटा एग्जाम होगा और हल्ला बोलकर बोलूंगा या बोलूंगा पढ़ाई कर? आप तो खुद बच्चों को गुमराह कर रहे हो। आपको बच्चों को यह कहना चाहिए, मैं कहता हूं जो कहना चाहिए कि आप बच्चों पहला काम अपनी पढ़ाई करो, तैयारी करो, क्योंकि ये तैयारी आपकी काम आएगी ही आएगी। साथ ही साथ केवल एक आरटीआई डाल दो कि मेरी परीक्षा किस अथॉरिटी के अंतर्गत कैंसिल हो रही है, रद्द हो रही है बार बार, और मेरी परीक्षा कब निर्धारित होगी, बस इतना कर दो। कोई सड़क पर उतरने की जरूरत नहीं है, कोई आंदोलन करने की जरूरत नहीं है, है? आंदोलन करो फिर अपने आप को सेव करने के लिए, पर कानून अपने हाथ में मत लेना भैया। है ये क्या बात होती है, सड़क पे तुम उतार रहे हो लोगों को तो भी तो कानून हाथ में हो गया। तो गुमराह मत करो, अपना व्यापारिक दृष्टिकोण रखो साइड में और सीधी बात करो, एग्जाम होगा नहीं होगा, आज का वर्तमान का सत्य क्या है? वर्तमान का सत्य है कि एग्जाम कोविड के कारण जो कि व्यापक, आज हर स्टेट गवर्नमेंट ने स्कूल खोल दिए, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। गोलगप्पे के ठेले पे जाके देखो, शाम को जरा बाजारों में निकलो, कोविड है। सरकार ने सारे रिस्ट्रिक्शन हटा चुके हैं, केवल एक रिस्ट्रिक्शन सेना भर्ती परीक्षा के ऊपर है, जो परीक्षा सेना के परिसर के अंदर होनी है। तो ये समझ में नहीं आती ना। तो वर्तमान के सत्य को यदि नकार कर आप कुछ भी गुमराह करते हैं तो आप लोग गलत कर रहे हैं। हर स्टूडेंट को पढ़ाई में ध्यान देना चाहिए, और सिंपल एक आरटीए लगा दो, लगाने तो लगा दो, नहीं तो कोई तो लगाएगा ही, उससे ही आपको बेनिफिट हो जाएगा, एज सिंपल एज दैट। तो कोई निराश नहीं है, बच्चों के बीच में रहता हूं, स्टूडियो के अंदर नहीं बैठता हूं, और कार में सफर करते हुए वीडियो नहीं बनाता हूं, सुबह से शाम तक बच्चों के बीच में रहता हूं, हजारों बच्चों से घिरा हुआ रहता हूं, पढ़ाता हूं उनको, कोई निराश नहीं है। निराश वे लोग हैं जो कि उन रहनुमाओं की निराशाजनक बात सुनकर निराश हो रहे हैं। कोई निराश नहीं है, देश में जो फौज में जाना चाह रहा है ना वो निराश नहीं है, किसान का बच्चा निराश नहीं है, सुखदेव भगत सिंह और राजगुरु की पूजा करने वाला बच्चा ना निराश नहीं है, ये बेतु की बात है। सर आप ऐसी स्थिति में बच्चों को क्या गाइड करेंगे, उन्हें आगे क्या करना चाहिए? मैं तो गाइड कर रहा हूं, डे वन से गाइड कर रहा हूं, राइट। मैं देखिए, मैं अभी बोल दूं, अभी इस आपके माध्यम से सलोनी जी, आप बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा, क्या गाइड करेंगे, अभी मैं बोल दूं एग्जाम होंगे सब खुश हो जाएंगे। मैं तो यह साफ बोल रहा हूं एग्जाम नहीं हो रहे यहां पर इस वक्त वर्तमान में, एग्जाम नहीं हो रहे, एग्जाम होंगे कब होंगे पता नहीं, हमें क्लैरिटी चाहिए। तो मेरी सिर्फ गाइडेंस एक ही है, मैं किसी को सड़क पर उतरने के लिए नहीं बोल रहा, भैया अपने किसान के बच्चों, अपने माँ बाप की हाथ बटाओ, मदद करो उनकी, और आप घर में रहकर भी शौर्य भारत ऐप से पढ़ाई कर सकते हो, जरूरी नहीं शहरों में चक्कर काटने की आपको, ठीक है, आला दर्जे का कॉन्टेंट है, कर सकते हो। मैं सिर्फ एक राय दूंगा कि आप अपने हक की लड़ाई को जरूर लड़ें, अदरवाइज बेमानी है ना, बेमानी है, काहे भगत सिंह की पूजा करते हो भाई, क्यों करते हो, बेमानी है। आपको एक आरटीआई डालने में डर लगता है तो भैया ऐसे डरपोकों के लिए फौज नहीं है। सर पे गोले गिरते हैं, आसमान से गोले आ रहे होते हैं, सामने से बंदूकों की आरपीजी फायर कर रहा होता है, मशीन गन की फायर आ रही होती है, और आप एडवांस कर रहे होते हैं, जान जाने से बड़ा खतरा क्या होगा। तो वहां तो जान को हथेली पर लेकर जाने वाले जाबाज चाहिए ना, सिर्फ डर जाए कैसे चलेगा काम। तो सिर्फ आप एक आरटीआई लगाइए, और आरटीआई में आप क्या मांग रहे हैं, आप सिर्फ एक इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं कि आपका एग्जाम कब होगा और किस अथॉरिटी पे एग्जाम कैंसिल किए जा रहे हैं, इसमें क्या गलत है। मेरा तो सिर्फ यही राय है, मैं किसी को आंदोलन के लिए नहीं बोलता, क्योंकि आरटीआई अपने आप में आंदोलन है। आज यदि लाखों बच्चे आरटीआई लगाएंगे तो वो आंदोलन हो गया, स्वतः में आंदोलन है। और आरटीआई को नकारना
किसी भी गवर्नमेंट अथॉरिटी के बस की बात नहीं है। हम उनका सम्मान करते हैं, बेहतरीन काम कर रहे हैं, सब अपने अपने दायरों में बेहतरीन काम कर रहे हैं। आज हम भी बरसों पहले, आज से 20 साल पहले उसी जगह पे थे, राइट? तो हम भी समझते हैं क्या चीजें हैं। हम उनकी पूरी पूरी की पूरी सम्मान पूर्वक उनका सम्मान करते हुए मैं सिर्फ बच्चों से ये बात कहूंगा कि आपको तो अपने हक के लिए 10 रुपए खर्च करने छोटी सी हिम्मत करनी है। आप चाहे ऑनलाइन करें चाहे ऑफलाइन करें, एक ही काम कर सकते हैं। उसके अलावा कोई सड़क पर उतरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कोई सड़क पर उतरे तो कानून हाथ में लेने के लिए किसी कहने पर नहीं होता। फिर कोई कुछ करेगा, नाम आपका खराब होगा। इसलिए घर में रहिए, माँ बाप के सपनों को साकार करने के लिए सही रास्ता अपनाइए, पढ़ाई कीजिए। पढ़ाई आपके फॉर्मेटिव ईयर्स, आप अपना जीवन बनाने के उम्र में हो, तो आज अगर सही रास्ता लोगे तो आपका जीवन बनेगा, बात खत्म हो गई। पर सर, कुछ लोगों का कहना है कि डिफेंस सेक्टर में आरटीआई नहीं लगती। ये सपना, वे कुछ लोग जो हैं वो अनभिज्ञ हैं, ठीक है? वो कहते हैं ना कि अधजल गगरी छलकत जाए और थोथा चना बाजे घना, राइट? जिसको हाफ इंफॉर्मेशन इज अ डेडली इंफॉर्मेशन। कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, कोई भी एनी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, सब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इस पर्टिकुलर फंडामेंटल राइट के अंतर्गत आते हैं। राइट टू इंफॉर्मेशन इज अ फंडामेंटल राइट। जहां तक बात है वो अजल गगरी है ना, डिफेंस या राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित यदि आप कोई इंफॉर्मेशन मांगते हैं जिसका संबंध सीधा सीधा राष्ट्रीय सुरक्षा से है, तो ऑब्वियसली वो नहीं दी जाएगी। आप कहते हैं आप ऑर्बिट मांग रहे हैं क्या? आप ये पूछ रहे हैं भैया कौन सी पल्टन कहां पर है, लेह लद्दाख में कौन सी पल्टन है, वेस्टर्न बॉर्डर में कौन सी पल्टन है, आपका वेपन डिप्लॉयमेंट क्या, ये मांग रहे हैं क्या? ऑब्वियसली ये सब चीजें तो आप अगर ये मांगते हैं तो ये निरस्त है। ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला है, ये डिफेंस की गोपनीयता का मसला है। आप क्या मांग रहे हैं? आप मांग रहे हैं कि मेरा एग्जाम कब होगा, और जो एग्जाम कैंसिल हुआ जा रहा है उसके पीछे अथॉरिटी क्या है, उसके पीछे क्या लेटर इसकी वजह से एग्जाम कैंसिल हुआ जा रहा है, आप साझा कीजिए। और ये कोई गोपनीय बात तो है नहीं, पब्लिक डोमेन की बात है। आपने जैसे ही वैकेंसी इन्वाइट करी पब्लिक से, आपका पूरा मसला पब्लिक डोमेन का बन गया। अब जो पब्लिक है अपने पब्लिक डोमेन के अंतर्गत आते हुए यदि अपने राइटफुल किसी बात को कहती है तो बिल्कुल गलत नहीं। आरटीए बकायदा जवाब होगा इसमें। आप किसी भी वकील से पूछ लीजिए, बड़े से बड़े वकील से पूछ लीजिए, नोबडी कैन डिनाय दिस, राइट? तो आप कोई गोपनीय सिचुएशन इंफॉर्मेशन नहीं मांग रहे, आप पब्लिक डोमेन की। जो रिक्रूटिंग डायरेक्टरेट है इट डील्स विद द पब्लिक, दे शुड बी इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द पब्लिक। और मैं तो हमेशा से कहता रहा हूं, आज दुनिया कहती है इनसे बचें, दलालों से बचें, उनसे बचें। भैया अगर सही व्यक्ति से सही इंफॉर्मेशन नहीं आएगी तो पता नहीं कैसे कैसे लोग कैसी कैसी इंफॉर्मेशन देंगे और गुमराह करेंगे। मैं तो कहता हूं, मेरी तो रिक्वेस्ट है उन अथॉरिटीज से कि वो आए सामने, राइट? दे हैव अ प्लेटफॉर्म जहां पर हर बच्चा रजिस्टर्ड है, जो बच्चा सेना में जाना चाहता है वहां पर इंफॉर्मेशन फ्लैश करें, वीडियो फ्लैश करें। बोलो, हमारी डिमांड है भाई, और राइटफुल डिमांड है कि वी एक्चुअली रिक्वेस्ट कि इन बच्चों के दर्द को समझा जाए, इन बच्चों की पीड़ा को समझा जाए, इनके भविष्य का मामला है तो राइटफुल इंफॉर्मेशन राइट सोर्सेस से आनी चाहिए। कौन है अब्दुल कुलश्रेष्ठ? हमारी क्या क्या बिसाद है हमारी? हम कौन है भैया? हम सिंपल एक शिक्षक हैं, राइट? मेरा काम है जन चेतना को जगाना, मेरा काम है बच्चों के मन में आंदोलन की हिलोरे लाना, वो मैं कर रहा हूं। और यदि मेरे ये कहने से, इस इंफॉर्मेशन से, ठोस कारण छोड़ दीजिए कि ठोस कारण है मेरे पास जो भी है, वॉट एवर मेरी किससे बातचीत हुई, छोड़ दीजिए उसको। अगर मेरे ये कहने से कि हो सकता है एग्जाम कैंसिल हो जाए, अगर लोग जाग जाएं, तो मुझे लगता है कि मैंने तो सबका भला कर दिया। निराश क्यों होगा कोई? और मेरे वीडियो पे कोई निराश नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि ये बात कहकर मैंने उनको जगाया है। नहीं तो सोते रहो भैया, सडनली ट्रेन निकल जाएगी, फिर उठना रहे क्या हुआ, हमारी ट्रेन चली गई क्या? तो आपको नींद से जगाने वाला क्या कहता है? जाग जाओ, ट्रेन आने वाली है, जाग जाओ नहीं तो ट्रेन निकल जाएगी, यही तो कहता है। तो आप उससे बोलोगे कि भैया ट्रेन निकल जाएगी, तुमने ऐसे कैसे कहते, हम तो निराश हो गए, ये क्या बात हुई? तुमको जगा रहे हैं, जाग जाओ
तो ट्रेन निकल जाएगी, मैं तो अभी भी यही कहूंगा, बात खत्म हो गई है, ठीक है। तो स्टूडेंट की हित की बात है, जो लोग अपने व्यापारिक दृष्टिकोण से चीजों को काट छांट के समझते हैं, ठीक है, वो क्या कहते हैं, मेरा कोई सरोकार नहीं है, मैं तो स्टूडेंटों के बीच का आदमी हूं, आज से नहीं केबिन से इंस्टीट्यूट नहीं चलाता हूं, ग्राउंड से लेके कक्षा तक साथ रहता हूं। आज अगर सौर्य भारत ऐप में बच्चे जाके देखे ना, तो गणित भी कैप्टन अतुल पढ़ा रहा है, जीके भी कैप्टन अतुल पढ़ा रहा है, इंग्लिश भी कैप्टन अतुल पढ़ा रहा है, और उसका कोई तोड़ नहीं है, पूरे देश में चैलेंज है, राइट। तो बच्चे बहुत समझदार है, ठीक है, चंद बच्चे एक्चुअली इनसे गुमराह हो रहे हैं, छोड़िए उनकी बात नहीं करता। और बताइए सर, क्या आपको विश्वास है बच्चों की इस गुहार की सुनवाई होगी? बिल्कुल है, आज मेरा विश्वास सेना में, अरे भैया मैंने तो नमक खाया है, ठीक है, बचपन से पिताजी एयरफोर्स में थे, मेरे दादाजी पुलिस में थे, तो तीन पीढ़ियों से, हमको तो इसके अलावा उसको समझ में नहीं आता। सेना में जो लोग कार्यरत हैं और जो सेना से रिटायर्ड वेटरन हैं, उनकी इंटेग्रिटी और जिस ट्रांसपेरेंसी से वो लोग काम करते हैं, मुझे उस पर फक्र है, राइट, मैं गुमान है मुझे उसके ऊपर, मुझे गर्व है उसके ऊपर। और पूरी गवर्नेंस, आज जो राष्ट्र की जो लीडरशिप है और जो उनके जो इमदादी जो डिपार्टमेंट्स हैं, जो उनके इमदादी दस्ते हैं, मुझे उन पे पूरा का पूरा गर्व है। आज हमारा राष्ट्र एक नई बुलंदियों की तरफ अग्रसर है। तो मैं उन सभी के जो उन सभी की जो क्या कहते हैं कटिबद्धता है अपने काम को लेकर, और जो फौज की जो ट्रांसपेरेंसी है, उसकी तो मैं कसम खा सकता हूं हाथ में पानी लेके। तो इन्हीं बात को लेकर मेरा पूर्ण विश्वास है कि ये ट्रांसपेरेंट सिस्टम, इतने आला दर्जे के लोग, हमारा सिलेक्शन ऐसे ही नहीं होता कि हमने एग्जाम दिया और सेलेक्ट हो गए। फौजी ऑफिसर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजी टेस्ट के बाद में ऑफिसर बनता है, वन ऑफ द टफेस्ट, राइट। तो साइकोलॉजी और इंटीग्रिटी, उसकी इंटीग्रिटी आला दर्जे की, कुछ में कोई दोराय नहीं है। तो उस इंटीग्रिटी के बल पर ही मुझे विश्वास है कि हर आरटीआई का जवाब मिलेगा, बिकॉज देयर इज इंफॉर्मेशन व्हिच इज दे आर सीकिंग, जो कि पब्लिक डोमेन में है। तो आई हैव फुल फेथ इन द सिस्टम, मेरा फुल ट्रस्ट है गवर्नेंस पे, मेरा फुल ट्रस्ट है उन सभी आला अधिकारियों पे जो कि रिक्रूटिंग डायरेक्टर में बैठ के इस पब्लिक डोमेन के महान कार्य को अंजाम दे रहे हैं। आई हैव फुल फेथ एंड आई सल्यूट टू द डेडिकेशन एंड आई एम फ्रॉम दैट फेटर्निटी, राइट। सो बिल्कुल 100 क्या 1000 क्या इनफाइनाइट लेवल का एक ट्रस्ट मेरा पूरे सिस्टम के ऊपर है। सर, सोशल मीडिया पर अभी एक चिट्ठी घूम रही है जिसमें कहा गया है कि सेना भर्ती परीक्षा को लेके सहूलियत देखी जा रही है, तो इस बारे में क्या कहेंगे सर? हाँ, एक चिट्ठी मैंने भी कल देखी, मेरे को मेरे स्टूडेंट ने एक व्हाट्सएप किया था, सेना महानिदेशालय जो है, जो रिक्रूटिंग डायरेक्टरेट है, वहां की एक चिट्ठी है, जयपुर के किसी व्यक्ति ने वो एक जवाब मांगा था। एक अगेन देखिए, चिट्ठी एक जयपुर के एक व्यक्ति ने चिट्ठी भेजी, उसको सेना ने जवाब दिया, राइट। अब वो चिट्ठी के कंटेंट पे ध्यान दीजिए, राइट। उस चिट्ठी ये कहती है कि कोविड महामारी के कारण जो परीक्षाएं वो स्थगित की जा रही हैं बार बार, और जो सेना भर्ती जो है वो ये जो सिविल डिपार्टमेंट जो है उनके सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ समन्वय के साथ ये भर्ती परीक्षाएं जो है वो आयोजित। यहां पर मैं क्लैरिटी दूंगा, ये भी एक जो चिट्ठी है ना वो क्लैरिटी नहीं देती, और मैं तो अब कहूंगा कि जो मैं ये बोलने वाला हूं इसके ऊपर जो लोग अभी घूम घूम के जो मेरी बातों पे अपनी प्रतिक्रिया, मतलब एक एक आजकल लोगों के पास एक और काम आ गया, मेरी बातों पे अपनी प्रतिक्रिया देना, तो अब इस बात पे देना, और मैं चैलेंज करता हूं यदि इस बात को मेरे को कोई गलत साबित कर दे तो। सेना भर्ती कि जो दौड़ वाली जो प्रक्रिया है, जो सेना भर्ती रैली का जो आयोजन है, वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के सपोर्ट के साथ और उनका जो पूरा का पूरा तामझाम जो होता है उसके खर्चे के साथ में कायम होती है, मुकम्मल होती है। लेकिन जो सेना भर्ती परीक्षा है, जो रिटन एग्जाम जिसकी बात मैं कर रहा हूं, जो बात सेना भर्ती रैली होगी वो दौड़ की बात हो गई, उसका तंबू लगना, उसके लिए पुलिस का जाप्ता आना, ग्राउंड की परमिशन मिलना वगैरह वगैरह तामझाम, क्योंकि दुनिया भर के बच्चे आते हैं, बहुत लॉ एंड ऑर्डर की बातें समझी जाती हैं, कोई प्रिवेलिंग कोई पैंडेमिक तो नहीं चल रहा, दुनिया भर की बातें समझ के जिला कलेक्टर के साथ में समन्वय के साथ में रैली का आयोजन होता है। एब्सोल्युटली करेक्ट,
बट जो लिखित परीक्षा है वो लिखित परीक्षा सेना अपने सेना के प्रिमाइस के अंदर, यहां पर भी मैं आपको बताऊंगा, अपने सेना के प्रिमाइस के अंदर अपने उस स्टेशन की यूनिट्स के सपोर्ट के साथ उस एग्जाम को कंडक्ट करवाती है। वहां पर सिविल से सपोर्ट का कोई लेना देना नहीं है, अनलेस एंड अंटिल यदि सिविल, यदि सेना के पास इतना कोई बड़ा ग्राउंड नहीं है जिसमें वो बैठा सके, या मौसम खराब है, सेना के पास कोई ईएमई का कोई शेड नहीं है जिसके नीचे बच्चों को बैठा के परीक्षा ले सके, या वहां पर कोई आर्मी पब्लिक स्कूल नहीं है जिसके अंदर बच्चे को बैठा के परीक्षा ले सके, ऐसे में यदि सेना परिसर के बाहर यदि परीक्षा कंडक्ट करवानी है, सिविल में जाके परीक्षा कंडक्ट करवानी है, तो वहां पर हमें सिविल समन्वय की आवश्यकता है। तो भैया एक जगह हो सकता है, जो हम तो पूरे राष्ट्र की बात कर रहे हैं, हो सकता है कि जामनगर में ऐसा नहीं हो, जोधपुर में ऐसा नहीं हो, भैया हैदराबाद में तो होगा, बंगलौर में तो होगा, हिमाचल में तो होगा, कश्मीर में तो होगा, कहीं तो होगा, तो सारी जगह क्या मतलब कोई सेना के पास जगह नहीं एग्जाम कराने, क्या बात कर रहे हैं। तो ये चिट्ठी भी जो कह रही है उसका मूल समझिए, मैं तो कहता हूं अच्छी बात है, हमको ऑक्सीजन मिलना चाहिए। यह चिट्ठी कम से कम एक आशा की किरण देती है कि आपकी सुनवाई है, मेरे विश्वास को और पुख्ता करती है कि हर बच्चे की सुनवाई है। तो आपकी सुनवाई होगी, बातचीत आएगी, और इस देश का जो व्यवस्था है तो महान है, वो तो जो लोग हैं, जो गवर्नेंस है, मैं किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं लूंगा, ये तो देश कई महान व्यक्तियों से बना हुआ है, और प्रेजेंट गवर्नेंस भी चीजों को सुनती है, तभी तो आज की न्यूज में देख रहा हूं फ्लैश हो रही है, तीनों कृषि कानून वापस ले लिए गए। तो सही बात को लोग लेंगे, देर से ही सही पर दुरुस्त तो आएगी चीजें, तो मेरा पूरा विश्वास है, मैं तो खुद कहता हूं, मेरी अंतरात्मा कहती है कि भर्ती परीक्षा होनी चाहिए, होनी चाहिए, होनी चाहिए, लेकिन हाथ पे हाथ रख के बैठे रहोगे तो कुछ नहीं होगा, सिर्फ चार उंगली चलानी है, एक चिट्ठी लिखनी है, आपको जवाब मिल जाएगा, और लोगों को ही मालूम पड़ेगा कि एक हुजूम है, एक हुजूम है जो नौजवानों का, जो अपने हक की मांग कर रहा है, तो आपके हक की मांग को अनदेखा नहीं कर सकता कोई। और यह सब करने का मेरा कारण क्या है, आप सोचते होंगे कि सर कैप्टन अतुल व्हाई यू आर डूइंग ऑल दिस थिंग्स, मेरा एक ही कारण है, क्योंकि मैं खुद को अकाउंटेबल समझता हूं अपने बच्चों के प्रति, अपने स्टूडेंट्स के प्रति, राष्ट्रव्यापी जो स्टूडेंट जो शौर्य भारत ऐप से पढ़ रहे हैं, और तमाम बच्चे पढ़ रहे नहीं पढ़ रहे, तमाम बच्चे जो सेना में जाना चाहते हैं, क्योंकि मैं सेना से हूं, तो मेरा एक जो कटिबद्धता है, प्रतिबद्धता जो उनके प्रति है, जो मेरा जमीर है, वो ये कहता है कि सही बात सही समय पे बोलूं, वही मैं कर रहा हूं। आपको केवल एक झुंझुना पकड़ाते रहूं कि नहीं बेटा एग्जाम तो होगा, एडमिशन ले लो, एग्जाम तो होगा, मन में तो एडमिशन की वो छुरी है, मुंह में राम बगल में छुरी लेके बैठा हुआ हूं, मैं झुंझुना पकड़ा रहा हूं कि तैयारी कर लो, तैयारी कर लो, एग्जाम तो होंगे, एग्जाम तो होंगे, एडमिशन ले लो, तो मैं क्या अपने आप को आईने में देखूंगा कभी, डूब मरने वाली बात होगी मेरे लिए। मैं तो कोई बात है, तो वहां सोचिए कोई व्यक्ति जिसका इंस्टीट्यूशन है राइट, वो कहता है कि एग्जाम कैंसिल हो सकते हैं, तो उसका रिपरकशन क्या होगा कि एडमिशंस नहीं होंगे, भैया कौन चाहता है ऐसा। तो यहां तो लोगों में आशा की किरण है कि कोई तो सच्चाई की राह पे चलने वाला है और कोई तो सच्चाई की राह दिखाने वाला है। तो मुझे मेरे देश के नौजवानों के जोश पे पूरा भरोसा है, हो सकता है उन लोगों को नहीं होगा, ये कोई छोटी मोटी बातों से निराश नहीं होते, बल्कि ये आशा की किरण है। अगर मैं तुमको उठा रहा हूं कि बेटा उठ जाओ ट्रेन निकल जाएगी, तो निराश नहीं कर रहा हूं, तुम्हें जगा रहा हूं, तो भैया जाग जाओ, ठीक है, एग्जाम तो होकर रहना चाहिए, हम ये पुख्ता डिमांड करते हैं, पूर्ण विश्वास के साथ डिमांड करते हैं। इंफॉर्मेशन चिट्ठी है ना, ये भी झुंझुना है, इसमें बातें गोल मोल घुमा के कही गई हैं, सच मैंने बता दिया, एग्जाम के लिए देर इज नो नीड ऑफ एनी कंकरेंस फ्रॉम सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, और अब जो भी लोग घूमते हैं और मेरी बातों प्रतिक्रिया कहते हैं, इस बात को नकार के दिखा, ठीक है। सो ये देश निराश नहीं है, देश तो जागा है और आगे जाएगा। सर अब लास्ट में आप बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? एक ही मैसेज है, पढ़ाई करो, हिम्मत रखो,
सच की राह पे चलते रहो, जीवन में आपका मेहनत और सच्चाई से बिताया हुआ हर पल आपको उन्नति की राह पे ले जाएगा। कोई आंदोलन की जरूरत नहीं है, कोई सड़क पर उतरने की जरूरत नहीं है, कोई टाइम वेस्ट की जरूरत नहीं है। पूरा फोकस पढ़ाई पे और सिंपल एक इंफॉर्मेशन सीख कर लीजिए आरटीआई के माध्यम से और पढ़ते रहिए, अपने माँ बाप की मदद करते रहिए, अपने सपने साकार करते रहिए, सेहत पे भी काम कीजिए, फिजिकल की फिटनेस को बरकरार रखिए, क्योंकि यदि कोई इवेंचुअलिटी होती है तो उसमें आप अनजान नहीं है, आप पूर्णतः तैयार है। तो मेरा एक ही मैसेज है, ये देश महान है, देश के लोग महान है, इस देश की गवर्नेंस महान है, इस देश में जो सेना में जो अधिकारी बैठे हैं वो महान है, और इस देश के जो नौजवान हैं जिन्होंने ये जज्बा ले लिया है कि मुझे इस देश के लिए कुछ कर गुजरना है वो भी महान है, भगत सिंह के पुजारी, तो उनकी सुनवाई होगी ही होगी, ये मेरा पूरा विश्वास है। जय हिंद, थैंक यू।